नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और उनको मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, चालीसा के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हम अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माता के विभिन्न मंत्र स्तोत्र का जाप करते हैं। दोस्तों, सबसे उत्तम दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कि हर कोई जानता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कितना लाभदायक होता है, यह उत्तम पाठ हम नवरात्रि में अवश्य करते हैं। परंतु मान लीजिए कि कोई ऐसे भाई बहन है जो समय की कमी के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, और भी बातें मैं बताऊंगी कि आप नवरात्रि पूजन में माता रानी के किन मंत्रों का जप कर सकते हैं और कौन कौन से स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित है माता रानी के 108 नाम, जिसको कि दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। ये संस्कृत में मूल रूप में है, आप इसे हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आप संस्कृत में अर्थात इसके मूल रूप में ही इसका पाठ करें। दोस्तों, इसको आप प्रतिदिन की पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। माता रानी के 108 नामों की ये माला है और इसे आप माला पे भी जप कर सकते हैं और चाहे तो प्रतिदिन की पूजा में और नवरात्रि में भी आप माँ दुर्गा जी के 108 नामों का जप अवश्य ही करें। दूसरी बात आती है कि आपको दुर्गा सप्तशती में ही उपलब्ध है, उसी पुस्तक में आपको मिल जाएगा 32 नामों की माला, माता दुर्गा जी के 32 नाम। यह भी आप संस्कृत और हिंदी दोनों में ही उपलब्ध है, आप इसे पाठ कर सकते हैं और आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की तरह ही इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, विंध्येश्वरी स्तोत्र, कौन नहीं जानता है कि माता विंध्यवासिनी देवी के स्तोत्र की महिमा को। हम सभी लोग इसका पाठ प्रतिदिन की पूजा में भी करते हैं, नवरात्रि में आप यदि नहीं कुछ कर पाते हैं, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करें, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, निशुंभ शुंभ गर्जिनिम प्रचंड मुंड खंडिनिम वने रड़े प्रकाशिनिम भजामि विंध्यवासिनिम। ये पूरा स्तोत्र है, छोटा ही स्तोत्र है, समय भी कम लगता है और आप इसका पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, महाशक्तिशाली विराट शक्ति को समेटे हुए अद्भुत चमत्कार करने वाली और आप समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जैसा कि नाम से ही वर्णित है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि आपको एक तरह से कहिए कि आपके भाग्य को खोलने की चाबी है, ये आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। और इसको करने से, इस स्तोत्र को पढ़ने से, इसका पाठ करने से आप समझ लीजिए कि आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जब आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो आप स्वयं जानेंगे, उसमें यह लिखा है, आप उसका अर्थ हिंदी में भी समझ सकते हैं, कि स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा है कि इसको पढ़ने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती के किसी भी पाठ की आवश्यकता नहीं है, ना अर्गला ना कीलक, किसी भी पाठ की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण फल आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मात्र पढ़ लेने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, समय की कमी है, यदि और कुछ आप नहीं कर सकते हैं, बहुत देर तक माता रानी के पूजन में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आप प्राप्त कीजिए। अब आती है बात दुर्गा चालीसा। आप दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित सुबह और शाम दोनों समय के पूजन में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा 11 बार, 21 बार, 7 बार, 5 बार ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा आवश्यक होता है हमारी भक्ति भावना, हमारी श्रद्धा। यदि हम माता रानी का जयकारा ही मन में लगाते रहें और उनके चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें, तब भी हमको उनकी पूजा अर्चना का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि मान लीजिए कि आप इन सब, जितना भी मैंने बताया, पाठ, स्तोत्र, आप ये सब में से जो भी आपको सुविधाजनक लगता है, समय की जैसी भी आपकी सुविधा है या आप जैसा भी कर सकते हैं उस हिसाब से कर लीजिए।
दूसरी बात दुर्गा मंत्र की बात आइए कर लेते हैं, जो कि अति विराट अति शक्तिशाली मंत्र है। आप पूजन करते समय जैसे माता रानी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माता रानी को चंदन अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो आप मन ही मन में दुर्गा जी के मंत्रों का जप करते रहिए। जैसे कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, सबसे सुंदर मंत्र है, आप इसको जप कर सकते हैं। उसके बाद देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि, इस तरह से आप मंत्रों का जप करते हुए माता रानी का पूजन कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये माता रानी के मंत्र हैं। सबसे उत्तम मंत्र मैं बताती हूँ, सर्व बाधा निवारण मंत्र है, जो कि आप यदि प्रतिदिन इस केवल इस एक मंत्र की एक एक माला या दो माला तीन माला जितना भी आपके पास समय है यदि आप जप कर लेते हैं, या फिर माला नहीं है बिना माला के भी आप वैसे ही जितनी भी संख्या में करते हैं, तो आपके समस्त बाधाओं का नाश होता है, जो कि है ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दोस्तों अति उत्तम मंत्र है, मंत्र की महिमा की का वर्णन मैं क्या करूं, शायद मैं लायक नहीं हूं कि मैं माता जी के मंत्रों के महिमा का वर्णन कर सकूं दोस्तों, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इन सब मंत्रों में अद्भुत शक्ति है, विराट शक्ति है, चमत्कारिक शक्तियां हैं। आप इन मंत्रों का जप करें और माता रानी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी चीज, आप सभी लोग जानते हैं नवाड मंत्र के विषय में, जो कि सारी महाशक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। तीन देवियां, तीन महाशक्तियां, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी की समस्त शक्तियां जिसमें समाई हुई हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, नवाड मंत्र के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, केवल इस मंत्र का आप जप करिए और माँ के चरणों में ध्यान लगाइए, तब भी आपको आपके नवरात्रि पूजन का संपूर्ण फल संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐम ह्रीम क्लीम माँ सरस्वती माँ काली माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं और इन मंत्रों में समस्त सृष्टि की शक्तियां समाई हुई हैं। तो दोस्तों इनमें से मैंने इतने सारे स्तोत्र और पाठ आपको बता दिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पाठ का जप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, किसी भी पाठ को आप कर सकते हैं और नवरात्रि में आप माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। जिसमें कि यदि आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने बता दिया कि इसका संपूर्ण लाभ आपको सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से मिलने वाला है। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें नवरात्रि में, और वैसे भी आप प्रतिदिन यदि करते हैं तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, यदि आप किसी मनोकामना को लेकर संकल्प लेकर 40 दिन तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार या 21 बार आप जप करते हैं और इसका पाठ करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी संसार की सिद्धि नहीं है जो आपको प्राप्त न हो जाए। दोस्तों इसके लिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है, मंत्रों में गलती नहीं होनी चाहिए, और आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से इसको अष्टमी तिथि हो, नवमी तिथि हो या द्वितीया तिथि हो, इन सब तिथियों पे आप प्रारंभ कीजिए और लगातार 40 दिन तक केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप करिए। माता रानी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर लालासन बिछाकर माता रानी को धूप दीप अर्पित करके और माता रानी को भोग लगाकर आप बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपनी मनोकामना माँ से कहिए। आप मैं बताती हूँ कि संसार की कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो मनुष्य की पूरी हो जाए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से। दोस्तों ये स्तोत्र माता रानी का वरदान है और इससे हमें कोई ऐसी कामना नहीं है जो कि हमारी पूरी ना हो जाए। इसकी महिमा का वर्णन करना तो समझ लीजिए कि मनुष्यों के वश में नहीं है दोस्तों। तो आप इन सब मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ जगत जननी हम सभी की पुकार सुनती हैं, हम सभी की प्रार्थना सुनती हैं, और हम श्रद्धा भक्ति से यदि मन ही मन में केवल माता रानी का जयकारा ही लगाते रहें तो समझ लीजिए कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरी श्रद्धा से भक्ति से अपने विचारों को अपने मन को शुद्ध करके हमें नवरात्रि में माता रानी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो ये थी सारी बातें दोस्तों कि किस तरह से आप आसानी से कम समय में माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आपके पास विशेष समय नहीं है और आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं पूरा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत से उपाय हैं, बहुत से आसान सी सारी बातें थी, जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय।